Hello everyone. This is Neha Sonia, and I'm your social science teacher. So how are you all, my students? I hope you are doing well. And yes, we have started with geography from class six. And yes, this is your chapter number two. And yes, this is the part three of this chapter. We will talk about the chapter. The name of the chapter is the globe. Yes, the latitude and longitude. So yes, we are in uh, going to end this chapter. And yes, this is. Uh, we will talk about longitudes and time standard time so we will talk about the longitudes and what are the importance of latitudes and longitudes and what uh, how we can measure the time with the help of longitudes so students here we begin it so students how uh, previous classes may we have discussed about the meridian of longitudes right so how parallel of latitudes could discuss kiata when लैटिट्यूड्स के समय ही हमने को भी डिस्कस किया है स्टूडेंट्स सो डियर स्टूडेंट्स येस प्राइम मेरिडियन के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं सम रेफरेंस लाइन एंड सम रेफरेंस पॉइंट्स आर गिविन टू अस ऑन आवर ग्लोब बाय द हेल्प ऑफ दिस रेफरेंस लाइन वी कैन आइडेंटिफाई द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ़ द ग्लोब राइट सो हमने मैरिडियंस uh, देखे थे एंड उनमें भी प्राइम मेरेडियन हमने लोकेट करना है सो यस वैन वी हैव डिस्कस अबाउट द लॉन्गी रेफरेंस लाइन विच पासिस फ्राम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल सो इस तरह की जो लाइन्स हैं जिन्हें हमने लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड से हमने रि लर्न किया था मेमोराइज किया था सो so, अब ये सारी जो लाइन्स हैं फ्राम ईस्ट साइड एंड वेस्ट साइड इन सभी लाइंस को हम मैरिडियंस कहते हैं बट इनमें हमने एक लाइन को हमने प्राइम मैरिडियन जो है वो डिसाइड कर दिया ताकि उससे फिर हम रेफर लाइन उसको ज़ीरो बना सकते हैं, जैसे हमने इक्वेटर देखा था इक्वेटर को स्टडी किया था तो इक्वेटर क्या कर रहा था इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा था और हाफ कौन से थे नदन हेमिसफेयर एंड सदर्न हेमस्फेयर राइट स्टूडेंट सो तो इसी तरह से अब हमने ज़ीरो डिग्री पे प्राइम मेरिडियन जो है उसे सेट किया है और उसको जीरो डिग्री दे दिया है और ये भी इक्वल हाफ में मीन्स इधर ईस्ट साइड और वेस्ट साइड में अर्थ को डिवाइड करेगा स्टूडेंट्स ये प्राइम मेरिडियन जो है ये कहाँ से निकल रहा है और कौन सी जो प्लेसेज है ये इस मैरिडियन पे आते हैं ये हमें डिस्कस करना है सो मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीन विच वे द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड सो प्राइम मेरिडियन जो है ये जो मेरिडियन है ये कहाँ से पास हो रहा है इट पास थ्रो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ठीक है सो जहाँ पे ये ब्रिटिश रॉयल जो आ, शाही वेदशाला जहाँ पे लोकेटेड है ब्रिटेन में ग्रीनविच में सो so, वहाँ पे ये मैरिडियन जो है वहाँ से होके निकल रहा है सो so, लाइक like, ये है हमारा जीरो डिग्री हमने इसको प्राइम मेरिडियन डिसाइड किया है और लोकेट ही तो स्टूडेंट्स ये यहाँ से हमने जो लॉन्गिट्यूड था हमारा इसे हमने प्राइम मेरिडियन डिसाइड कर लिया है ओके और ये यह यहाँ से पास हो रहा है और यूके जो ग्रीनविच में यहाँ से इस जगह पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी और इसी वजह से इन्होंने जो है ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया लेकिन सिर्फ ये इन्हीं का ही प्राइम मेरिडियन नहीं है ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए हमारे सभी के लिए ये एक प्राइम मेरिडियन सेट कर दिया ठीक है अब लॉन्गिट्यूड्स जो है दीज आर हेल्पफुल टू मेजर द टाइम ऑल्सो सो स्टूडेंट्स हमने लेटिट्यूड्स को डिस्कस किया था लेटिट्यूड से सीजन में चेंजेस आ रहे थे जब हमने मूवमेंट देखा था अर्थ का और जब हमने जब सन की पोजीशन देखी थी ट्रॉपिकल जोन में जो सन है उसकी हीट मैक्सिमम रिसीव हो रही थी एंड अदर जोन जो टेम्परेट जोन एंड फ्रीगेड जोन है उनमें सन हाई सन लाइट भी कम थी सो दैट्स वाई दे डोंट गेट द प्रॉपर हीट एंड लाइट फ्रॉम सन सो फ्रिगेट जोन में एवरी टाइम जो क्लाइमेट है वो कोल्ड वाला रहता है सर्दियाँ रहती है विंटर सीजन रहता है वहाँ पे और जो हमारे टेम्परेट जोन है वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है स्टूडेंट्स so, इसी तरह से जो लॉन्गिट्यूड्स है दीज आर हेल्पफुल टू मेजर द टाइम आल्सो सो यस हमने प्राइम मेरिडियन को सेट कर दिया है प्राइम मेरिडियन कहाँ से होके निकल रही है इट can be a question for you so meridian which pass through greenwich where the british royal observatory located yahan se prime meridian jo hai wo nikal rahi hai it value is 0 degree latitude from it we count 180 eastward and as well 180 westward so jaise अब ये जीरो degree हमने prime meridian ले लिया है ठीक है और इससे 180 एटी यहाँ पे और इससे इधर 180 एटी यहाँ पर आएंगे तो इसके जो एग्जैक्ट जो पीछे एक और लाइन बनेगी वो है हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन सो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं लुक एट हियर ये हमारा इज लाइक like हमने ग्लोब का शेप लिया है और यहाँ से हमने ज़ीरो डिग्री जो हमारा प्राइम मेरिडियन है उसे ले लिया ओके okay, अब ये क्या है ये ईस्ट साइड में भी वन एटी लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो रहेंगे ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन से लेके वन डिग्री से वन एटी तक ठीक है ईस्ट वार्ड में और इधर भी सेम इसी तरह से वन डिग्री से कहाँ तक रहेंगे वन एटी डिग्री वेस्ट वार्ड में सो so, इधर भी वन एटी रहेंगे ओके okay? एंड इधर भी वन एटी लॉन्गिट्यूड्स रहेंगे क्लियर क्लास सो अब जब ये वन एटी और ये इधर वाले 180 जिस जगह पे मिलेंगे जो जस्ट जीरो डिग्री के पीछे की तरफ बिकॉज ग्लोब जो है वो गोल होता है तो आगे का जो हमारा हिस्सा है वहाँ पे हमने प्राइम मेरिडियन सेट किया अगर तो जस्ट उसके जो पीछे वाला बैक साइड का पोर्शन में जो डेट लाइन बन रही है वो है इंटरनेशनल डेट लाइन ठीक है जो मेरिडियन है इस इस वाले मेरिडियन को हमने इंटरनेशनल डेट लाइन के रूप में डिसाइड किया है ठीक है अब ये कैसे टाइम चेंज करते हैं यू नो वेरी वेल दैट अर्थ टेक टाइम ट्वेंटी फोर आवर्स टू रोटेट ऑन इट्स एक्सेस क्लियर एंड येस इट रिवॉल्व द सन इन थ्री सिक्सटी फाइव डेज सो अब जो है हमें टाइम जोन जो है ट्वेल्व आवर्स ट्वेंटी फोर आवर्स कैसे हम सेट करते हैं कैसे एक जगह का टाइम दूसरे टाइम से स्टैंडर्ड मैच कर रहा है किस स्टैंडर्ड्स पर ये रखा गया है वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स सो अभी हमने यहाँ पर देखा प्राइम मेरेडियन के बारे में यहाँ की लोकेशन हमने देखी है लोकेशन है ये यूके से फ्रांस स्पेन अल्जीरिया और इस तरह से जो ईस्टर्न हेमस्फेयर से होते हुए ये निकलती है ठीक है सो so, ये इक्वली डिवाइड नहीं कर रही है लाइक like, जैसे अगर अभी हमने देखा सो so, अब जो है इसके ईस्ट साइड में 180 डिग्री तक जाना है हमें और इसके वेस्ट साइड में भी 180 एटी लॉन्गिट्यूड्स हैं क्लियर सो so, अब जो प्राइम मेरिडियन है प्राइम मेरिडियन ये वाला जीरो डिग्री वाला इसके ईस्ट में ठीक है अगर इधर सन है ईस्ट में हमेशा सन है तो प्राइम मेरिडियन से जो हिस्से बिफोर मीन्स आगे की तरफ हैं ईस्ट की तरफ हैं वहाँ पे क्या रहेगा इस समय सनलाइट रहेगी राइट सो so, यहाँ पे अभी सन लाइट रिसीव हो रही है इस एरिया में और ये लाइट जो है यहाँ पे ये यह जो एरिया है जो प्राइम मेरिडियन से बैक साइड में ए वन एटी डिग्री जो बन रहा है यहाँ पे सन लाइट अभी रिसीव नहीं हो रही है सो so, यहाँ पे अभी क्या होगी नाइट होगी स्टूडेंट सो इट इज़ आई थिंक इट इज़ ऑल क्लियर फॉर यू सो so, हमने अभी इसको देखा अच्छे से आगे क्या देखने वाले हैं सो so, यहाँ पे अब आपको मैप दिया हुआ है इन योर बुक अ मैप इज गिवन टू अस ओके सो यहाँ से हम देख लेते हैं इसका पोजिशन क्या बनता है सो so, हियर ये देखिए ग्रीन विच जो है हमारा यहाँ से निकल रहा है ये इधर ओके okay, और यहाँ से ये प्राइम मेरिडियन जो हमारा है लाइन ये निकल गया ठीक है सो so, ये इनके ऊपर से हमने इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ की है और ये हमारा वर्ल्ड मैप है अब इसमें आपको ये देखना है जो ग्रीन वेज है जो ज़ीरो डिग्री हमने मेंशन किया उसके बाद से वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री फोर डिग्री इस तरह से वन एटी डिग्री के बाद ये इसी एग्जैक्ट इसके पीछे एक लाइन बनेगा ठीक है अभी उसको देख लेते हैं सेम इधर जो बि, बिहाइंड की तरफ जो हिस्सा दिया हुआ है ये अहिड है मींस इसके आगे की तरफ और ये है इसके पीछे का तरफ प्राइम मेरिडियन से बैक साइड की तरफ सो so, बिहाइंड प्राइम मेरिडियन इसके पीछे भी हमें वन एटी तक चलना है और फिर ये जो हमारा इस तरफ आपको दिखाई देगा ये अभी देखो ग्लोब तो पूरा गोल होता है अब अभी पूरा गोल होगा तो आपको सारी स्थिति नहीं होगी सो so, ये हमने एक मैप के दौरान यहाँ पे देखा कि यहाँ दोनों जो लाइंस हैं ये आ, जो जस्ट 180 डिग्री उधर से और 180 डिग्री जब इधर से मैच हुआ तो ये लाइन बन रहा है और इट इज़ इंटरनेशनल डेट लाइन स्टूडेंट्स सो so, हमने अभी दो चीज़ें डिस्कस की हैं प्राइम मेरिडियन जो ज़ीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड बना रहा है और उससे ईस्टवर्ड 180 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स एंड उसके वेस्ट वार्ड भी 180 एटी लॉन्गिट्यूड्स हमने देखा और जहाँ पे ये दोनों लॉन्गिट्यूड्स मैच हो रहे हैं मीट करते हैं एक दूसरे को वहाँ पे है इंटरनेशनल डेट लाइन ये एग्जैक्ट जो रहेगा इसका पोजीशन अगर आप ग्लोब पे देखोगे तो फ्रंट साइड मान लीजिए ये है प्राइम मेरिडियन और इसके बैक साइड में जस्ट पीछे क्या रहेगा इंटरनेशनल डेट लाइन स्टूडेंट्स तो अगर प्राइम मेरिडियन की तरफ अभी सन चमक रहा है तो यहाँ पे दिन रहेगा और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वहाँ पे नाइट रहेगी जैसे ही ये रोटेट होता है अगले दिन 24 घंटों में तो डेट लाइन जो अगर है अब उसका पोजिशन सन के सामने आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा डे एंड इसके बैक साइड जहाँ पे प्राइम मेरिडियन है यहाँ पर हो जाएगी नाइट सो आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू और ये हमारा वर्ल्ड मैप दिया है इसे आप अच्छे से स्टडी कीजिए ये है हमारा प्यारा सा इंडिया इंडियन ओशन यहाँ पे है पैसेफिक ओशन अब आप कहिए मैम पैसेफिक ओशन इधर भी है और पैसेफिक ओशन इधर भी है ऐसे कैसे तो स्टूडेंट्स पृथ्वी गोल है ठीक है सो ये मैच तो करेंगे ऐसा तो है नहीं ना कि इधर से कट जाएगा और इधर से हो जाएगा पृथ्वी वापस घूम के मैच हो जाएगी स्पेयर शेप है ना इसका प्रॉपर स्पेयर शेप भी नहीं है मैम आपने बताया था ये बीच में से बल्ज है और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ फ्लैटन है यस स्टूडेंट्स बट ये जो बल्ज शेप है ये राउंड है एक तरह से तो ये राउंड होके जब हम इस, इस हिस्से को अगर मान लीजिए एक पेपर है उसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा गोल है। करने के लिए हम इसे मैच करेंगे मिलाएंगे तो पैसिफिक ओशन जो इधर आधा कटा हुआ दिखाई दे रहा है ये इसी हिस्से से मैच हो जाएगा स्टूडेंट्स सो so, इस तरह से हमने स्टडी किया है अबाउट द इंटरनेशनल डेट लाइन एंड येस वी हैव डिस्कस अबाउट द प्राइम मेरिडियन इन दिस मैप ओके सो ऑल डाउट्स आर क्लियर फॉर यू सो इस तरह से 180 एटी डिग्री लॉन्गिट्यूड्स हमें इस साइड में भी जाना है एंड बैक साइड में भी जाना है सो so, अगर प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में कोई लोकेशन है मान लीजिए अभी आपका ये जो लोकेशन है इंडिया का इसे अगर हम देखते हैं तो ये फाइव लॉन्गिट्यूड्स के बाद में दिखाई दे रहा है वन टू थ्री फोर फाइव इस लॉन्गिट्यूड पे दिखाई दे रहा है राइट फाइव एंड अ हाफ ठीक है सो इट मीन्स प्राइम मेरिडियन से ये कितना दूर है प्राइम मेरिडियन पे जो टाइम हो रहा है क्या ये उससे आगे चलेंगे Yes, स्टूडेंट जो प्राइम मेरेडियन से ईस्ट का जो पार्ट है वहाँ पे दिन पहले होगा और पृथ्वी जो है जो है इट मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट राइट सो जैसे वेस्ट टू ईस्ट अगर इसे मूव करना है सो so, जो ईस्ट है लाइक like, जापान को क्या कहा जाता है ये yes, यहाँ पे uh, सबसे पहले सनराइज होता है सो so, जापान से फिर धीरे 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 जापान के बाद में चाइना चाइना से इंडिया और इस तरह से ये जो सारी कंट्रीज़ है प्राइम मेरिडियन तक ये सन के इधर घूमती भी रहेंगी और फिर ये सनलाइट रिसीव करेंगी चलो मैं यहाँ पे सन ड्रॉ कर देती हूँ आपकी हेल्प के लिए ठीक है सो so, अब आप सन की पोजिशन यहाँ देख सकते हैं ओके okay? अब ये सनलाइट है तो सबसे पहले सनलाइट जिन एरियाज़ में रहेंगी वो ईस्ट एरियाज रहेंगे प्राइम मेरिडियन के आगे की तरफ अ हिट साइड ऑफ प्राइम मेरिडियन सो ये ईस्ट रहेगा ओके okay? और जैसे ही ये वाला हिस्सा जो है ये घूमेगा रोटेट करेगा अपनी एक्सिस पे अर्थ जो है रोटेट करती है तो प्राइम मेरिडियन के जो बिहाइंड का जो पार्ट है बैक साइड का जो एरिया है ये आगे चला जाएगा सन की तरफ तो फिर ईस्ट में जो अभी ईस्ट में जो सन रिसीव हो रही थी पृथ्वी जैसे ही घूमेगी तो ऐसा नहीं है कि अब ईस्ट जो वो चेंज होकर वेस्ट बन जाएगा नो no, स्टूडेंट ये जो पार्ट बच रहा है जो अर्थ का जो पीछे का पार्ट था ये अब आगे आ जाएगा और ये वाला पार्ट पीछे हो जाएगा सो डे एंड नाइट इस तरह से चेंज हो जाते है. ठीक है स्टूडेंट और इसी तरह से हम जो है टाइम को मेजर कर रहे हैं और डेट को भी मेज़र करेंगे स्टूडेंट्स क्लियर आगे देखते हैं लैटीट्यूड्स आर नॉट इनफ टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस यस वी हैव डिस्कस अबाउट द लैटिट्यूड्स बट स्टूडेंट एज वेल एज लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट इनफ टू लोकेट एनी प्लेस बिकॉज लोक लोकेशन बताने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गीफ तो हैं लेकिन येस एस वी हैव डिस्कस ऑलियर द डायरेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट अगर आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे अगर आपने मुझे लोकेशन के लिए लॉन्गीट्यूड बता दिया ट्वेंटी डिग्री ठीक है मैम ट्वेंटी डिग्री लॉन्गीड पर आपको आना है फ्राम इक्वेटर ठीक है आप ये फ्राम इक्विटर मैं नॉर्थ साइड में जाऊँ अच्छा चलो आपने मुझे ये भी बता दिया कि मैम सदन हेमिसफेयर में आना है आपको ठीक है मैं सदर्न हेमिसफेयर में 20 डिग्री आ रही हूँ अभी मैंने डिस्कस किया आपसे कि जो प्राइम मेरिडियन है ज़ीरो से जो आ रहा है उसके बाद में वन इधर भी है टू है थ्री है तो इस तरह ट्वेंटी भी होगा इधर सेम इधर भी ऐसे ही रहेगा सो so, अब आपने मुझे कहा मैम सदर्न हेमिसफेयर में आना है ट्वेंटी डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आना है अब मैं ईस्ट साइड जाऊं या फिर वेस्ट साइड जाऊं ये आपको मुझे बताने के लिए डायरेक्शंस बतानी होंगी सो डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लोकेट अ प्लेस सो स्टूडेंट्स यस हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को डिस्कस किया एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गो अ प्लेस बट येस डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट विद दैम सो डायरेक्शंस अगर आप नहीं बताएंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ आपने मुझे नॉर्थ एंड साउथ बता दिया लेकिन नॉर्थ एंड साउथ में भी ईस्ट या वेस्ट नहीं बताया तो आई कैन नॉट एक्सेस द प्रॉपर लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन को मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगी सो लेटिट्यूड्स आर नॉट इनफ टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस एंड सो इन ऑर्डर टू लोकेट द प्लेस प्रिसाइजली वी मस्ट नो हाउ फॉर ईस्ट एंड वेस्ट सो ज़ीरो डिग्री जो प्राइम मेरिडियन लिया उससे कितना ईस्ट में जाना है या कितना वेस्ट में जाना है सो यू हैव टू टेल मी अबाउट दैट कि मैम यस yes, आपको ट्वेंटी डिग्री ईस्ट साउथ हेमिस्फीयर में आना है सो so इस तरह से मैं आपको पूरे अच्छे से लोकेट कर पाऊंगी ठीक है so, सो Yes, in order to locate the place precisely, we must know how far east and west these places are from a uh, given line of reference. So, apne 0 degree reference line se ma'am. -hmm. You have to come on 30 degree east in southern hemisphere. So, yes, exactly 30 degree. ईस्ट सदर्न हेमस्फेयर में पहुंच जाऊंगी प्लस अगर आप मुझे लॉन्गीट्यूड बता रहे हो तो मैं लॉन्गीड तो पहुंच गई सेम वही चीज़ है लैटिट्यूड में थ्री थर्टी डिग्री का पूरा लाइन ही थर्टी डिग्री लॉन्गीट्यूड है ठीक है ये पूरा लाइन जो है वो थर्टी डिग्री का था अब इसमें मुझे यहाँ जाना है यहाँ जाना है ये बताने के लिए आपको मुझे पैरल्स ऑफ इक्वेटर मीन्स लैटीट्यूड्स भी बताने होंगे सो लेटिट्यूड्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे तो जहाँ पे लैटीट्यूड और लॉन्गी कि जो रेफरेंस लाइन है ये एक दूसरे को टच करती है क्रॉस करती है वही एग्जैक्ट प्लेस होता है आपकी लोकेशन का लाइक like ये आपका है लैटिट्यूड थर्टी डिग्री ओके एंड आपने मुझे कहा मैम थर्टी डिग्री फ्रॉम लॉन्गिट्यूड भी आपको आना है थर्टी डिग्री ओके स्टूडेंट सो 30 डिग्री और ये 30 डिग्री यहाँ पे हमारा जो है ये जो लाइन है ये रेफरेंस लाइन एक दूसरे को यहाँ क्रॉस कर रही है सो इट इज़ द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ लोकेशन जहाँ पे आप मुझे बुला रहे थे ठीक है so, सो अब नेक्स्ट टाइम आप मुझे अपने घर का एड्रेस देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में कि मैम दिस इज़ माई लॉन्गीटिट्यूड सो so, ये आप निकालेंगे और यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम गूगल मैप्स जी पी एस ट्रैकर और आप अपने एल्डर सिस्टर ब्रदर इनकी भी हेल्प से आप और इसे अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, फिर भी कोई डाउट हो तो येस आई एम हेअर नो फेयर ओके सो येस फॉर एन एग्जाम्पल टोंगा आईलैंड इन पेसिफिक ओशन सो अब हमें टोंगा आइलैंड देखना है सो हेअर माई डियर स्टूडेंट्स यू कैन लुक यू कैन टेक अ लुक द इमेज ओके सो टोंगा आइलैंड दिया हुआ है स्टूडेंट आपको और आपको क्या करना है टोंगा आइलैंड दिया है एंड मॉरिशियस आइलैंड दिया है इंडियन ओशन में दिया है हमें सो so, इन दो आइलैंड को सेम लैटीट्यूड दिए हुए हैं ठीक है सो so, इन दोनों के सेम लैटीट्यूड्स हैं हमारे पास में ओके स्टूडेंट सो सेम लैटिट्यूड है इधर भी वही है सेम और इधर भी सेम है तो क्या हम एग्जैक्ट सही लोकेशन को एक्सेस कर पाएंगे नो no, ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा लैटिट्यूड दिया हुआ है ट्वेंटी डिग्री साउथ ठीक है सो ट्वेंटी डिग्री साउथ दे रखा है आपको तो साउथ में तो आ गई मैं ट्वेंटी डिग्री लैटीट्यूड पे लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं आ पाई तो अब मुझे किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी लॉन्गीट्यूड की रिक्वायरमेंट रहेगी स्टूडेंट्स सो लाइक जैसे ये हमारा मॉरीशियस है इधर भी है और सेम यही ये मॉरीशस इधर है और ये आपका हो गया टोंगा आइलैंड सो so, ये सेम ट्वेंटी डिग्री लैटीट्यूड पर है सदर्न हेमस्फियर में है ठीक है साउथ बता दिया इन्होंने लेकिन साउथ ईस्ट है या साउथ वेस्ट है मॉरिशस कहाँ है साउथ वेस्ट में है ठीक है सो मॉरिशस यहाँ पे बताने के लिए ने साउथ वेस्ट करना चाहिए था ट्वेंटी डिग्री साउथ वेस्ट तो मैं यहाँ एग्जैक्ट आ जाती फ्रॉम इक्वेटर लेकिन अगर मुझे टोंगा आइलैंड जाना होता तो फिर मुझे इन्हें क्या देना होता ट्वेंटी डिग्री साउथ ईस्ट ठीक है सो इस तरह से मैं सही मेजर कर सकती थी सो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गी बोथ आर वेरी इम्पॉर्टेंट एंड डायरेक्शन्स एज वेल सो दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट टू एक्सेस द राइट लोकेशन स्टूडेंट ठीक है सो इस तरह से हमने एग्जाम्पल जो है इसे सॉल्व किया है नेक्स्ट देखते हैं आगे दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस कॉल द मैरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड सो जिन की जिन लाइन जो रेफरेंस लाइन हैं जिन्हें अभी तक हमने स्टडी किया है इन्हें ही कहते हैं लॉन्गेट्यूड स्टूडेंट सो And the distance between them are measured in degrees of longitude. So आप देखिए distance की बात कर लेते हैं ये हमारा एक longitude हमने लिया और same इसी pole से दूसरा longitude जो है वो next south pole पर match हो रहा है So ये जो दोनों के दोनों lines जो हैं इन दोनों lines के बीच का ये जो difference है इस डिफरेंस को डिग्री में मेजर किया जाता है सो द डिफरेंस मेजर इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड स्टूडेंट ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड्स सो अब ये जो डिग्री है ये जो डिफरेंस है इसको डिग्री को हमने मिनट्स में और मिनट्स को हमने सेकंड्स में भी मींस खूब सारी मैथ आप कर सकते हो और बहुत ही चुटकियों वाली मैथ है ये तो कैसे किया इन्होंने लाइक like, जैसे ये हमारा नॉर्थ पोल है स्टूडेंट हियर सो इट इज योर नॉर्थ पोल के एंड फ्राम इक्वेटर सो अब हमें इक्वेटर देखना है वेर इट इज सो इट इज ह्योर ओके सो इट इज ह्योर हियर इज योर इक्वेटर लाइन ओके एंड देन इक्वेटर से नॉर्थ पोल हमेशा कितना रहेगा नाइंटी डिग्री रहेगा ओके okay? सो so, अगर नॉर्थ पोल है नाइंटी डिग्री तो सेम इसके पीछे वाला जो इक्वेटर है बिकॉज राउंड ऐसा है तो एक राउंड और इधर भी है ना इसके पीछे भी है तो ये इक्वेटर जब पीछे घूमेगा तो वहाँ से भी नॉर्थ पोल आने के लिए जो बैक साइड वाला इधर वाला अभी हमने देखा यहाँ इक्वेटर लाइन चल रहा है यहाँ से नॉर्थ पोल आने के लिए 90 डिग्री कवर किया सेम यही पार्ट पीछे भी है तो इस पीछे में भी यहाँ इक्वेटर से नॉर्थ पोल आने में इन्हें वापस 90 डिग्री कवर करना है सो so, 90 नाइन्टी वन और सेम इसी तरह से साउथ पोल जाना है तो वो भी 90 और नीचे उधर से भी नाइन्टी सो नाइन्टी 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 थ्री सिक्सटी मिल के सर्किल बनता है स्टूडेंट सो अब ये क्या हो गया आपका थ्री सिक्सटी हो गया अब एक जो अर्थ है अपना सर्कल कवर कर रही है 24 फोर आवर्स में सो स्टूडेंट इसको हम अच्छे से देख लेते हैं ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड्स क्लियर सो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं हम एक बार अच्छे से इसको यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं आपको अर्थ का फ्रंट अर्थ का बैक ठीक है ओके okay? ये दोनों साइड में अच्छे से समझाइए ये फ्रंट वाला अर्थ साइड लिया और इसके ये बैक साइड का पोर्शन हमने लिया है सबसे पहले हम इक्वेटर की स्थिति देख लेते हैं इक्वेटर आप जानते हो इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ एंड इसे हमने ज़ीरो डिग्री से मेंशन किया है इक्वेटर को हम जीरो डिग्री दे चुके हैं तो ज़ीरो डिग्री हमने इक्वेटर के लिए दिया है बिकॉज इट इज़ अ पैरल ऑफ लैटिट्यूड और इस लैटिट्यूड को हमने ज़ीरो डिग्री इक्वेटर कहा है एंड इसी लैटीट्यूड के पैरलर जितने भी लैटिट्यूड्स बन रहे हैं उन सभी को हमने पैरलर ऑफ लैटिट्यूड्स कहा है इंपॉर्टेंट पैरलर ऑफ़ लैटीट्यूड्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं ये yes, टॉपिक जो हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन और आर्कटिक सर्किल एंटार्क्टिक सर्किल इसको हमने डिस्कस किया था सो so, ये हम पैरलर्स जानते हैं और यहाँ हमने जीरो डिग्री किस लॉन्गीड को दिया जीरो डिग्री लॉन्गी हमने दिया है प्राइम मेरेडियन को सो ज़ीरो डिग्री होने का मतलब है ये भी ईस्ट एंड वेस्ट ये जो ईस्ट है इधर और इधर वेस्ट में इसने डिवाइड कर दिया स्टूडेंट ठीक है अब हम बात कर रहे हैं जो लॉन्गिट्यूड्स है उनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है उसके बारे में ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को डिग्री में मेजर किया जा रहा है सो so, डिस्टेंस कितना है टोटल कितना बड़ा सर्किल है सर्किल है तो इट मीन्स 360 डिग्री रहेगा टोटल डिस्टेंस राइट सो टोटल डिस्टेंस तो थ्री डिग्री में मेजर हो रहा है स्टूडेंट्स आई होप ये आपके लिए मेजरेबल uh, है कि आप जानते हैं कि सर्किल अगर अर्थ को सर्किल तक घूमना है तो उसे एक सर्किल बनता है 360 डिग्री का राइट सो so, ये पूरा जो है ये 360 डिग्री से सर्किल काउंट करते हैं हम सो थ्री सिक्सटी डिग्री पृथ्वी कित समय में करती है 24 फोर आवर्स इट विल टेक ट्वेंटी फोर आवर्स टू कवर 360 सिक्सटी डिग्री सो थ्री सिक्सटी डिग्री उसे अपनी एक्सिस पे रोटेट होने में कितना टाइम लग रहा है हाउ मच टाइम इट विल टेक इट विल टेक 24 फोर आवर्स स्टूडेंट ओके अब हम देखते हैं अगर वन आवर में ये कितना डिग्री रहेगा सो वन आवर में ये है 24 फोर आवर्स ओके सो वन आवर में कितने लेगा 360 सिक्सटी degree divided by 24 so it will 15 degree स्टूडेंट्स आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू सो वन आवर में फिफ्टी डिग्री अर्थ जो है रोटेट कर रही है मीन्स पूरा रोटेशन जो उसे थ्री सिक्सटी का लगाना है एक सर्किल लगाना है उसे घूमना है ना अपने एक्सिस पे तो so, उसे कितना टाइम लग रहा है मीन्स प्राइम मेरेडियन अगर आज सन के सामने तो अगले दिन प्राइम मेरेडियन को वापस सन के सामने आने में कितना टाइम लगेगा ट्वेंटी फोर आवर्स लगेगा तो अब आप ये ट्वेंटी फोर आवर्स तो टोटल टो टो हो गया थ्री सिक्सटी डिग्री उसने पूरा रोटेट किया वन आवर में वो कितने डिग्री रोटेट कर रही है फिफ्टीन डिग्री रोटेट कर रही है मीन्स यहाँ से इतना सा स्लाइटली रोटेट करती है फिर चौबीस घंटों में मिल वो थ्री सिक्सटी डिग्री को रोटेट कर रही है सो वन आवर में इट विल रोटेट फिफ्टी डिग्री ठीक है फिफ्टीन डिग्री सो so अब आगे देखते हैं हम इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं और अब वन आवर में हमने मिनि वन आवर मीन्स सिक्सटी मिनट्स सो सिक्सटी मिनट्स सिक्सटीन मिनट्स में कितना कवर कर रही है फिफ्टीन डिग्री कवर कर रही है So, 60 मिनट में 15 डिग्री कवर कर रही है सो 1 डिग्री जो है 1 डिग्री कितने मिनट में कवर करती है तो so, अब हमें ये देखना है कि 360 डिग्री कवर करती है 24 फोर में आवर्स में एंड 15 डिग्री कवर करती है 16 मिनट 60 मिनट में सो 1 डिग्री कितने में मेजर करेगी सो 1 डिग्री मेजर करने के लिए हम करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है स्टूडेंट सो so, ये कवर करेगी फोर डिग्री सो फोर मिनट्स में ओके सो फोर मिनट्स में ये कितना कवर कर लेगी वन डिग्री को कवर कर लेगी स्टूडेंट्स सो so, ये हमारा मिनट्स से हमने सेकेंड्स में निकाल लिया अब आप जानते हैं सो इट मीन्स वन डिग्री कवर करने के लिए उसे फोर मिनट्स लग जाएंगे तो अगर अर्थ जो है वो ज़ीरो डिग्री पे है स्टूडेंट्स तो so अब उसे नेक्स्ट वन डिग्री पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा फोर मिनट रोटेट करने के लिए उसे फोर मिनट रहेगा मीन्स अगर प्राइम मेरिडियन पे अभी सनलाइट है एकदम जो मिड डे सन है वो प्राइम मेरिडियन पे है ठीक है सो so, अब उसे वन डिग्री कवर करने में अगली डिग्री पे उसकी लाइट को और अच्छे से मिड डे सन हल बिकॉज रोटेट कर रही है अर्थ कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है सो so, जो, जो, जो उसका जो हिस्सा जो उसका पार्ट है उसे फ्रंट साइड में लाने में धीरे 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 उसे पर आवर हमने निकाल लिया कि पर आवर में वो फिफ्टीन डिग्री रोटेट करती है और फोर मिनट में वन डिग्री कवर कर रही है सो so, अगली जो वन डिग्री है यहाँ तक उसे आने में कितने मिनट लग रहे हैं फोर मिनट लग रहे हैं और मिनट्स को आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं सो so, मींस इस तरह से हमने देखा कि जो डिग्रीज हैं ये मेंशन की जा रही है और जो डिस्टेंस है जो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसे हम मेजर करते हैं डिग्री में तो अभी हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया नाव अनलाइकल ऑफ लैटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट हमने देखा था जो पैरल ऑफ़ लैटिट्यूड थे इक्वेटर पे उसकी जो लेंथ थी सबसे ज्यादा थी राइट बिकॉज यहाँ से जो अर्थ है उसका फॉर्म जो हमने देखा था मिड वे मिड जो है इसका मिड पार्ट जो है वो बल्ज है और यहाँ से फ्लैटन है ठीक है तो यहाँ पे आके इसका छोटा सा ही पैरेलल बन रहा है छोटे होते जा रहे हैं सारे पैरल ऑफ लैटिट्यूड्स, तो इनकी जो लेंथ है ये छोटी होती जा रही है बट अगर हम कंपेरिजन करें लॉन्गीट्यूड से तो लॉन्गी सारे जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एग्जैक्ट मिलते हैं सो लोकेशन इनकी वही इनकी जो लेंथ है वो सेम रहेगी स्टूडेंट सभी की लेंथ इक्वल रहेगी ठीक है ऐसा नहीं है जैसे पैरल ऑफ़ लैटिट्यूड्स की लेंथ जो है वो पोल में जाते जाते धीरे धीरे छोटे से छोटा और छोटे सर्किल बनते गए ऐसा नहीं हो बिकॉज़ इनकी शेप नीचे से सक्री हो रही थी तो इनके पैरल ऑफ़ लैटिट्यूड्स भी कम बनते जा रहे थे लेकिन जो हमने अभी लॉन्गी को डिस्कस किया उनकी जो लेंथ है वो इक्वल रहेगी सो so, इसलिए इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इनकी सारी जो लेंथ है वो इक्वल मेजर होगी सो विद द हेल्प ऑफ ग्रिड ऑफ द पैरल ऑफ़ लैटिट्यूड एंड मेरेडियंस ऑफ ऑन द ग्लोब वी कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन ग्लोब ईजीली ठीक है एक लोकेशन देख लेते हैं हम धुबरी इन आसाम सिचुएटेड 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गी so हमने नॉर्थ लैटीट्यूड और ईस्ट लॉन्गी देखना है बिकॉज लैटीट्यूड्स में हमने देखा था हमें नॉर्थ एंड साउथ बताना है ओनली और येस yes, लॉन्गीट्यूड्स में ईस्ट और वेस्ट लिखना होता है तो अब हमें पहले देखना है कि आप क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं सो so, इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे इन्होंने कहा हमें क्या क्वेश्चन uh, है एग्जाम्पल में हमारा ट्वेंटी सिक्स डिग्री नॉर्थ जो है उसे हमें लैटीट्यूड बनाना है तो हम पहले इक्वेटर लेते हैं जीरो डिग्री अब ट्वेंटी सिक्स डिग्री नॉर्थ जो है हमारा लैटीट्यूड बनेगा ठीक है ये बन गया हमारा अब क्या बोला इन्होंने नाइन्टी डिग्री ईस्ट लॉ तो यह हमारा ज़ीरो प्राइम मेरिडियन, इससे नाइन्टी डिग्री ईस्ट ले लिया हमने सो यहाँ पे ये जब ये दोनों लाइन यहाँ क्रॉस करी ये हो गया हमारा 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गीट्यूड ठीक है ईस्ट में लॉन्गीट्यूड ईस्ट और वेस्ट बताते हैं लैटीट्यूड नॉर्थ एंड साउथ बताते हैं क्लियर फॉर यू सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ये जो पार्ट है हमारा इस पार्ट पे एग्जैक्ट लोकेशन है दुबरी की ठीक है so, सो दुबरी इन आसाम इसकी हमने लोकेशन यहाँ से देख ली है वैन एंड ट इच अदर पॉइंट इट इज द राइट लोकेशन ऑफ धुबरी तो अभी यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट ये लाइन जो है ट्वेंटी सिक्स डिग्री नॉर्थ में बनाई गई है बिकॉज जो हमारा इंडिया का पोजिशन है वो इक्वेटर से नॉर्थ हेमिसफेयर में है सो so नॉर्थ में ये है एंड देन हमने ये देखा नाइन्टी डिग्री ईस्ट जो हमारा लॉन्गिट्यूड आ रहा है ऊपर से ठीक है ये हमारा 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है ईस्ट की तरफ है बिकॉज जीरो डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है उससे ईस्ट वर्ल्ड की तरफ 90 डिग्री ईस्ट इन्होंने कहा है जहाँ पे ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रही है इट इज़ द राइट लोकेशन ऑफ धुबरी सो येस वी हैव क्लियर अबाउट इट्स आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट फॉर इट सो वर्टिकल लाइन और हॉजोंटल लाइन वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजनटल लाइन जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं मीट करती हैं मिलती हैं वही जो प्लेस है वो होता है एग्जैक्ट लोकेशन द राइट लोकेशन ऑफ ए प्लेस सो हमने यहाँ से एग्जाम्पल भी क्लियर कर लिया है नेक्स्ट हम देखने वाले हैं लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम सो कैसे लॉन्गिट्यूड जो हैं वो टाइम बताते हैं ठीक है सो डू यू नो हाउ टाइम वॉज मेजर बिफोर द इन्वेंशन ऑफ क्लॉक अगर घड़ी नहीं हो आज के समय तो कैसे आप समय बता पाएंगे मैम हम तो हमारी स्मार्ट वॉच में देख लेते हैं मैम हम तो हमारे मोबाइल में देख लेते हैं हमें तो क्लॉक देखने की ज़रूरत ही नहीं होती स्टूडेंट्स ये सभी चीज़ें वर्जन है क्लॉक के ठीक है सो ऑल आर द वर्जन ऑफ न्यू वर्जन ऑफ क्लॉक सो ये तो हमें समय देखने पे पता चलता है अगर आपकी घड़ी खराब हो जाए तब आप हाँ कैसे बताएंगे बताइए सो so, पुराने जमाने में जब हमारे ऑल डेज थे सो so, ओल्ड डेज में कैसे जो है मेजर किया जा रहा था समय को सो so, बहुत सारे मैथड थे स्टूडेंट्स सो उनमें जो मैथड है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कैसे वे लोग जो है समय को जैसे आपकी जो शेडो पड़ती है शेडो से भी बता देते थे कि अभी जो है दिन है और दिन में भी 12 बजे हैं या सुबह के सात बजे हैं ठीक है शाम है या फिर रात होने वाली दिन और रात तो आपको सन से ही पता चल जाता है सन है तो अभी दिन है और सन जो है नहीं दिख रहा है मून है नाइट है तो वो नाइट है तो हमें सन से डे एंड नाइट तो पता चल रहा है बट डे में भी समय कौन सा है 12 बजे हैं तो कैसा कैसे पता चलेगा कि बारह बजे एकदम से गर्मी हो जाएगी अचानक से ठीक है टेम्परेचर से भी पता चलता है लेकिन आपकी शेडो भी बता देती है ठीक है सो so, अब हमें देखने वाले हैं और सन की जो पोजिशन है मीन्स अगर हमें सन जो है वो जो ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है जो हमारा हॉरिजन है उससे तो भी हमें लगता है कि अभी ज़्यादा ऊपर नहीं है मींस थोड़ा ऊपर है इस तरह से हम मेजर करें तो अभी इतने बजे होंगे और जैसे जैसे वो एकदम हमारे जो मिड डे सन है जब हमारे ओवर हेड होता है तो हमें जो हमारी शेडो वो बहुत छोटी सी दिखाई देती जब मैं बच्ची थी छोटी बच्ची थी और जब मैं स्कूल से आती थी लाइक ट्वेल्व और मीन्स बारह बजे के आसपास मैं में जब घर आती थी तो मैं देखती थी मेरी परछाई बहुत छोटी सी पड़ती है तो मैं सोचती थी क्या मैं इतनी सी ही हूँ इतनी सी परछाई दिख रही है मुझे तो अपनी परछाई जो है कभी कभी हमें छोटी दिखाई देती है कभी हमें बड़ी दिखाई देती है ये क्वेश्चन आपकी भी माइंड में आ रहा होगा सो so, ये एग्जैक्ट इसीलिए होता है बिकॉज सन की जो पोजीशन है हमारी अर्थ जब रोटेट करती है उस अकॉर्डिंग सन की जो पोजीशन है वो चेंज होती है हमें दिखाई देती है तो सन की वजह से ही हमारी जो शेडो है कभी हमारे आगे दिखाई देती है कभी हमारे पीछे दिखाई देती है कभी छोटी कभी लंबी सो so, ये ही तरीके थे जिनसे सन सन से और हमारे शेडो से जो है मेजर किए जा रहे थे ठीक है so, सो अब आगे देखते हैं कैसे होता है द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ द मून एंड द प्लानिट्स सो so, जैसे प्लैनेट्स और मीन्स ये सन है हमारा ठीक है अब सन जो है सुबह रोज उठ जाता है और ये यही कहता है कि उठ जाइए जग जाइए मैं आ गया हूँ देखो सन ने हमेशा अपनी जो जॉब है ना उसे रेगुलर किया अगर सन एक भी दिन छुट्टी ले ले तो क्या होगा सब सो ही रह जाएंगे है ना और कोई अपना स्कूल मिस नहीं करना चाहता कोई अपना जॉब जो है वो मिस नहीं करना चाहता सो so, सन तो अपनी रेगुलर जो ड्यूटी अच्छे से दे रहे हैं अब प्लैनेट्स क्या करते हैं प्लैनेट्स भी अपनी ड्यूटी देते हैं वो भी रेगुलर जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं अपनी एक्सेस पे रोटेट कर रहे हैं सो so, इन्हीं चीज़ों से जो हम टाइम को मेजर करते हैं द बेस्ट मीन ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ द मून एंड द प्लान सो दीज आर द बेस्ट वे ओके सो इनसे हम मेजर कर रहे हैं द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड सो सबसे ज्यादा सबसे नेचुरल तरीका तो हमें सन से पता चल जाता है ठीक है सो so, सन है तो अभी डे है जैसे ही सन जो है वो ढलने लगता है ओके okay, सो so, हमें पता चल जाता है कि अब इवनिंग हो गई और थोड़ी सी समय बाद ही नाइट हो जाएगी सो so, सन जो है, है रेगुलरली समझ में आता है ठीक है एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट वर्ल्ड एंड वेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीन विच ऑल द प्लान अलॉन्ग विद मेरिडियन विल मिड डे और नून ठीक है इसको अब देखते हैं द चेंज ऑफ डे एंड नाइट ऑन अर्थ इससे हमें पता चलेगा लाइक like, जैसे सन इधर है तो अभी हमारा अगर प्राइम मेरिडियन यहाँ है तो प्राइम मेरिडियन का जो वेस्ट वाला पीछे वाला जो पार्ट है यहाँ पे अभी क्या हो रही है डे ठीक है और जो ईस्ट वाला साइड है वहाँ पे अभी क्या है नाइट है सो so, यही वो बता रहे हैं कि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में अगर सन है इस तरफ अगर ईस्ट वाले पार्ट पे सन सामने आ रखा है सन के सामने ईस्ट वाला पार्ट है तो यहाँ पे मिड डे नून रहेगा ठीक है ओके मिड डे या फिर नून रहेगा और इसके आसपास की जगहों पे भी डे रहेगा ठीक है सो प्राइम मेरिडियन के साथ वाले जो एरियाज हैं रीजन है अगर वे सन के सामने हैं तो वहाँ पर डे रहेगा और अगर वे सन के पीछे हैं ठीक है ठीके? तो जो बैक साइड वाला एरिया है वहाँ पे नाइट रहेगी स्टूडेंट्स सो ये देखिए ये जो एरिया है यहाँ पे सनलाइट जो है सीधी पड़ रही है तिरछी पड़ रही है पड़ रही है सो so, प्राइम मेरिडियन के जो साथ वाले जो एरियाज हैं यहाँ पे हाइस्ट पॉइंट रहेगा स्काई में सन और जब वह सन रहता है हाइएस्ट पॉइंट पे प्राइम मेरीडियम पे तो उसके आसपास के की जो जगह हैं वहाँ पे भी दोपहर का समय हो जाता है स्टूडेंट्स तो इससे हमने देख लिया कि कैसे जो है हमें मिड डे सन से भी पता चल रहा है समय का और देखते हैं द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सो अर्थ जो है ये yes, ओके अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट तो ये जो वेस्ट है यहाँ से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है ये सो so, इस तरह रोटेट करती है तो ये जो पार्ट है ईस्ट में सबसे पहले क्या आएगी सनलाइट रिसीव होगी और जैसे ही ये वाला पार्ट ये जो हाफ पार्ट है ये घूम के इधर आएगा ठीक है अब इधर आ गया ये पार्ट तो अब इस वाले पार्ट में रात हो गई ठीक है और ये वाला पार्ट सन की लाइट में सामने आ गया तो यहाँ पे डे हो गया ठीक है प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीन विच विल बी अहेड ऑफ ग्रीन विच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड ओके सो अब इसे देखना है ये हमारा ग्रीनविच रेखा जो हमारी ग्रीनविच लाइन है प्राइम मेरिडियन है इससे आगे के जो प्लेसेस हैं 180 डिग्री तक के हमें देखने हैं ठीक है 90 डिग्री तक अभी देख लेते हैं 90 डिग्री सामने और 90 डिग्री इसके पीछे वाला पार्ट है ये 90 डिग्री का रहेगा हमारा ये नाइन्टी डिग्री तक हम इसको मेजर कर रहे हैं ठीक है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और फिर नाइन्टी तक हमें देखना है और फिर इसके पीछे के भी जो पार्ट है अब मान लीजिए नाइन्टी डिग्री एग्जैक्ट अभी सूरज के सामने होती तो नाइन्टी डिग्री पे मिड डे नून रह रहा होता है मिड डे या फिर नून का समय है और इसके आसपास के जो रीज़न है यहाँ पे भी अभी सनलाइट है ठीक है जैसे जैसे अर्थ का जो पार्ट है सूरज के सामने आता रहेगा उस पार्ट पे डे और जो बैक साइड वाला हिस्सा है यहाँ पे नाइट रहेगी स्टूडेंट सो so, अब जो प्राइम मेरिडियन है इससे आगे के जो हिस्से हैं जो ईस्ट की तरफ हैं इनमें समय जो रहेगा वो आगे रहेगा मैं मा, मान लीजिए जैसे प्राइम मेरिडियन में अभी ट्वेल्व बजे हैं बारह बजे है दिन के सो so, बारह बजे हैं तो इनसे जो आगे के समय है जो ईस्ट में जो प्लेसेस हैं उनमें और समय आगे रहेगा ठीक है क्यों रहेगा बिकॉज ईस्ट से सन हो रखा है और प्राइम मेरिडियन तक सन जो आने में उसको समय लगेगा प्राइम मेरिडियन को सन के सामने जाने में समय है पहले अभी यहाँ पे सन लाइट आ रही है तो अभी इसको सन के सामने एग्जैक्ट ये जब रोटेट होगा तो इससे टाइम लगेगा थोड़ा समय लगेगा वेट करना पड़ेगा ना तो ये जो हिस्से हैं जो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ है ये प्लेसेज में समय प्राइम मेरिडियन पे जो समय हो रहा है उससे आगे रहेंगे ठीक है जैसे प्राइम मेरिडियन पे अगर 12 बज रहे हैं तो और अगले डिग्री पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे समय चेंज हो जाएगा 12 से और आगे ठीक है सो आगे चल रहे हैं तो मान लीजिए एक बज गया होगा वहाँ पे या फिर आ, इवनिंग का पाँच बज रहे होंगे मान लीजिए जैसे जैसे ब्रिटेन में अगर इस समय दो बज रहे हैं ना तो हमारा जो इंडिया टाइम है इंडियन जो सिचुएशन है लोकेशन जो है वो ऑलमोस्ट फाइव आवर्स थर्टी मिनट्स आगे रहेगा कैसे तो इसको देखते हैं ये हमारा प्राइम मेरिडियन आ रहा है इसका जीरो डिग्री पे है और हमने अभी देखा हमारा इंडिया अगर हम इसे देखें तो इंडिया जो है वो ईस्ट ईस्टर्न कंट्रीज़ में इंक्लूड है सो so, प्राइम मेरिडियन से आगे की तरफ अगर यहाँ पे अभी इस समय सुबह के पाँच बज रहे हैं तो इट मीन्स अभी यहाँ पे पाँच घंटे पीछे आएंगे, तो कितने बज रहे होंगे ठीक है अगर सुबह के पाँच बज रहे हैं और उससे पाँच घंटे पीछे आना है आपको तो या फिर आप देखिए यहाँ पे दोपहर के बारह बज रहे हैं तो यहाँ पे आपको पाँच घंटे आगे जाना है तो यहाँ पे कितने बजेंगे ऑलमोस्ट साढ़े सात ठीक है बिकॉज़ फाइव आवर्स थर्टी मिनट्स आगे हैं प्रॉपर तो इसी तरह से जो प्लेसेस जो प्राइम मेरिडियन से आगे की तरफ है उनमें समय आगे रहेगा मतलब वो लोग आज के सुबह उनके बारह जल्दी बज गए हैं और अब शाम तक हमारे मतलब थोड़े घंटों बाद में हमारे बारह बजेंगे है ना और जो प्राइम मेरिडियन के बैक साइड के जो पार्ट है उनमें और भी लेट बारह बजने वाली है सो so, इस तरह से आ, हमने वेस्ट वाले जो वेस्ट वार्ड वाले पार्ट हैं उनमें और जो प्राइम मेरिडियन से आगे वाले जो ईस्ट वार्ड में जो पार्ट हैं जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनमें हमने डिफ्रेंस देखा टाइम का कि अगर यहाँ पर तो बारह जल्दी बज गए हैं और यहाँ पर बहुत टाइम बाद मतलब पाँच घंटे बाद छः घंटे बाद फिर बारह बजेंगे ठीक है सो अब मान लो इंडिया से भी और ज़्यादा जो आगे कंट्रीज़ हैं ईस्टर्न कंट्रीज मान लो जापान सबसे आगे है तो जापान में सबसे जल्दी सुबह होगी उसके बाद में इंडिया तक थोड़ा धेर धीरे धीरे दिखाई देगा सूरज तो हम कहते हैं ना अभी तो सुबह नहीं हुई है ऐसा नहीं है कि सूरज सिर्फ हमारे यहाँ उगेगा तभी सुबह हुई है सुबह कहीं और तो हो चुकी है ठीक है तो यही चीज़ हमें अच्छे से क्लियर करनी है स्टूडेंट्स आगे देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम के बारे में अब क्या होगा अभी ये एक डिफरेंस आ सकता है कि मैम अगर हमारे यहाँ पे 12 बज रहे हैं और जापान में भी 12 बजने चाहिए ऐसा ही होना चाहिए ना मैम लेकिन बेटा जो आपका सिचुएशन है लोकेशन की तरह वो आपको देखना है कि चेंजेस आ रहे हैं लोकेशन में यहाँ का लोकेशन अलग है अर्थ का यहाँ का लोकेशन अर्थ अर्थ का अलग है और अर्थ को इस लोकेशन तक सन के सामने आने में काफ़ी टाइम लगेगा हमने देखे वन आवर में कितना लेगी फ़िफ्टीन डिग्री तो घूम पाएगी ना तो फिफ्टीन डिग्री घूमेगी और यहाँ तो डिग्री का डिफरेंस ज़्यादा है तो अब देखते हैं कैसे हम एक स्टैंडर्ड टाइम बनाते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए तो द टाइम ऑन डिफरेंट मेरिडियंस इज़ बाउंड बाय बाउंड टू बी डिफरेंट सो इसलिए ये अलग अलग रहते हैं टाइम लैग ऑफ़ अबाउट वन आवर फोर्टी फाइव मिनट्स बिटवीन द्वारका एंड डिब्रूगढ़ अब देखिए द्वारका एक प्लेस है गुजरात में और डिब्रूगढ़ है हमारे आसाम में ठीक है यहाँ पे है हमारा डिब्रूगढ़ ये जो लास्ट पॉइंट है हमारा किसका इंडिया का और द्वारका इधर हमारे जो गुजरात है यहाँ का हमारा लास्ट पॉइंट है ठीक है स्टूडेंट्स इसके बीच में इतना डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस है तो अब हमें सबसे पहले तो इसका लॉन्गिट्यूड देखने होंगे दोनों के कौन से कौन से लॉन्गिट्यूड पे हैं सो so ये मान लीजिए 97 सेवन डिग्री ईस्ट पे है और ये है हमारा सिक्सटी एट डिग्री ईस्ट पे सिक्सटी एट से 97 सेवन कितने डिग्री का डिफरेंस आता है ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है कैसे मीन्स सेवेंटी एट एटी एट नाइन्टी एट तो ये सेवेंटी एट एटी एट और नाइन्टी सेवन तक हमें जाना है तो ऑलमोस्ट जो है ट्वेंटी नाइन थर्टी डिग्री का डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट सो so, हर डिग्री तक जाने में अर्थ को रोटेट करने में टाइम लगता है और सनलाइट को भी वहाँ तक उन एरियाज में आने में समय लगेगा तो इट मीन्स ये वाला इंडिया का ये ईस्ट ईस्टर्न पार्ट है तो यहाँ पर सुबह जो है वो सन जो है वो जल्दी दिखाई देगा और इतना दूर आने तक मीन्स जो प्लेसेस गुजरात में हैं उन गुजरात के प्लेसेस तक आने में उसे समय और थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्लियर फॉर यू सो ये हमने सिचुएशन में डिफरेंस देखा है वन आवर फोर्टी फाइव मिनट्स का समय लग जाएगा सनलाइट को डिब्रूगढ़ से आसाम तक पहुँचने में वन आवर फोर्टी फाइव मिनट्स का टाइम लगेगा स्टूडेंट बिकॉज सनलाइट सन नहीं देता सन की तो एक साथ लाइट्स ऑन uh, हो गई है लेकिन अर्थ जो है रोटेट होगी ना जब भी तो ये प्लेस जो है ये उसके सामने जाएगा धीरे धीरे सन के सामने जाएगा तब जाके गुजरात के ये जो द्वारका है यहाँ पे सनलाइट आएगी और जो इंडिया के भी, भी बाद में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें और बाद में सनलाइट पहुँचेगी तो स्टैंडर्ड टाइम जो है स्टैंडर्ड टाइम मीन सन तो हमेशा ऑलवेज ऑन है है ना उसकी लाइट्स तो हमेशा हैं पर जो हिस्से जो प्लेसेस सन लाइट के सामने आ रहे हैं उनमें धीरे 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 सन लाइट की वजह से हमें डे दे दिखाई देता है अब यहाँ तो सुबह जल्दी हो गई है मैम यहाँ तो सात बज रहे हैं एक घंटा पैंतालीस मिनट पीछे यानी कि यहाँ पर कितना होना चाहिए बताइए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका सेवन बज रहे हैं इसमें से एक घंटा माइनस करेंगे तो सिक्स और सिक्स में से भी फोर्टी फाइव माइनस करेंगे तो फाइव फिफ्टीन टाइम हो रहा है मैम हमारे यहाँ तो फाइव फिफ्टीन पे सन उग जाता है द्वारिका में कब उगेगा द्वारिका में तो मैम सेवन ओ क्लॉक उग रहा है तो ऐसे थोड़े ना हो सकता है अब द्वारिका से अगर आप अपने चाचा को फ़ोन लगाते हैं आसाम में चाचा जी क्या सुबह हो गई हाँ बेटा सुबह हो गई अरे हमारे यहाँ तो अभी पाँच ही बजे हमारे तो सन ही होगा और यहाँ जब सात बजेंगे तब वो आपको फोन करेंगे कि देखो हमें तो दो घंटे हो गए चाय पानी नाश्ता सब हो गया क्या आप उठ गए तो आप कहेंगे नहीं अब तो मार तो यहाँ पे अब सन होगा अब उठेंगे सो so, क्या ये कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है आपको समय अलग अलग नजर आ रहा है अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा इट इज़ नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल सम्ररिडियन ऑफ ए कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री सो अब आपने देखा इंडिया का एक जो पार्ट है इधर और इधर वाले पार्ट तक आने में ही एक घंटा पैंतालीस मिनट का टाइम ले रही है अर्थ रोटेट करने में तो सनलाइट को भी इतना ही टाइम लगेगा और हमारा जो टाइम है उसमें भी डिफरेंस आ जाएगा वन आवर फोर्टी फाइव मिनट्स का ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम बना सकते हैं स्टैंडर्ड टाइम के लिए स्टैंडर्ड लाइन बन सकती है स्टैंडर्ड जो मैरिडिन uh, लाइन है फॉर इंडिया सो इससे हमारी कंट्री का एक ही टाइम रहेगा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छः बज रहे हैं तो यहाँ पे फिर साढ़े सात बज रहे हों पौने आठ बज रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए राइट right? सो so, अगर यहाँ पे फाइव ओ है तो यहाँ पे भी फाइव ओ ही मेजर किया जाए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोनों के बीच की बात करते हैं सो so, सेम यही हुआ सिक्सटी डिग्री ईस्ट जो हमारा इधर द्वारका का ये जो पॉइंट है यहाँ से और इधर हमारा था 97 डिग्री ईस्ट इन दोनों के बीच का पार्ट लिया तो ऑलमोस्ट 82 डिग्री के आसपास यहाँ से 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में हमने हमारी स्टैंडर्ड IST Indian Standard इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए ये जो लाइन है रेफरेंस लाइन इसे बना दिया तो इट मीन्स अब ये जो इलाहाबाद से होते हुए पास करती है ये लाइन ये हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम रहेगा फॉर ऑल ओवर कंट्री तो यहाँ पे जितने भी बज रहे हैं वही इधर माने जाएंगे वही इधर माने जाएंगे लाइक like, अगर यहाँ पे ट्वेल्व नून है तो इट मीन्स यहाँ भी ट्वेल्व नून माना जाएगा हमारी वॉच में क्लॉक में सारी घड़ियाँ एक साथ उसी समय को बजाएंगी जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है फॉर आवर कंट्री सो सभी देशों में ऐसा ही किया जाता है स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि हर एक जो कंट्री है वो अपना स्टैंडर्ड टाइम नहीं रखती कुछ कंट्रीज जो हैं उनके और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड टाइम्स भी हो सकते हैं बिकॉज कई कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि बीच में बहुत सारे जो है टाइम जोन बनाने पड़ते हैं स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है उनकी अलग अलग रहती हैं लाइक like हम उसके भी बारे में बात करेंगे सो इट इज़ नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मैरिडियन ऑफ अ कंट्री जो सेंट्रल मैरिडियन लाइन हमने देख ली और ये कहाँ से पास कर रही है इलाहाबाद से एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री सो इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ एटी टू डिग्री ईस्ट ठीक है इसे आप डिग्री देखेंगे ऐटी टू डिग्री ईस्ट ओके थर्टी मिनट इन ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मैरिडियन सो इसे हम जो है स्टैंडर्ड मैरिडियन के जैसे ट्रीट करते हैं फॉर आर Only. Okay, so, कंट्री ओनली ओके सो दूसरी कंट्रीज से अब जो इंडिया है वो पाकिस्तान से और थोड़ा ईस्ट में है तो यहाँ पे और पाकिस्तान के टाइम में भी और उसमें चेंजेस रहेंगे स्टूडेंट्स सो so, ऐसा नहीं है मान लीजिए आपकी फ़्लाइट है आज दोपहर बारह बजे से अगर हम ऐसा ना करें तो फिर आप तो बारह बजे रवाना हुए और आपको फाइव ओ पे कहीं उतरना है और आपकी अर्जेंट मीटिंग है जहां आपको पाँच बजे पहुंचना ही पहुंचना है ठीक है वहां के समय पे पाँच बजे पहुंचना है और आप यहां पे आराम से बारह बजे रवाना हो गए कि ठीक है फाइव आवर्स में मैं पहुँच जाऊँगा लेकिन अगर वन आवर फोटी मिनट्स आप पीछे हो तो आप तो ऑलरेडी लेट हो जाओगे ना सो इसीलिए स्टैंडर्ड टाइम लाइन बनाई जाती है ताकि इस तरह की जो है गड़बड़ियाँ ना हो कई बार ऐसा होता है आपको बैंक में चेक डिपॉजिट करना है ठीक है कल की तारीख में अगर पैसे जमा नहीं होते तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगी तो आप क्या करेंगे आपके लिए स्टैंडर्ड टाइम आपको पता होना चाहिए लाइक like, आप मैच देखते हो आज शाम को ममा मैं नहीं सोऊंगा क्यों साढ़े सात बजे से मैच आने वाला है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का ओके okay, बट क्यों वहाँ पे मैम जो टाइम है ऑस्ट्रेलिया का वो इंडिया से और आगे है ठीक है तो अब क्या होगा आपके यहाँ पे तो साढ़े सात बज रहे हैं उनके वहाँ पे और थोड़ा आगे होगा मान लीजिए अगर अमेर इंग्लैंड में कोई मैच हो रहा है क्रिकेट मैच हो रहा है ठीक है वो दो बजे स्टार्ट होना था वहाँ पे, लेकिन हम जो है इंग्लैंड से साढ़े पाँच घंटे आगे हैं तो इक, इसका मतलब अगर दो बजे जो स्टैंडर्ड टाइम जो ग्रीनविच रेखा पे अभी दो बज रहे हैं यानी ब्रिटेन में अभी दो बजे से मैच स्टार्ट होने वाला है उसे इंडिया में अगर आपको बैठ के देखना है तो आप अपना टेलीविज़न कब ऑन करेंगे आफ्टर यानी कि आपको पाँच घंटे यानी कि आपके साढ़े सात जब बजेंगे ना फाइव आवर्स थर्टी मिनट्स ऐड कर लो दो बजने में मतलब ये लोग हमसे पाँच साढ़े पाँच घंटे जो है पीछे चलते हैं तो इनके वहाँ पे दो बजेंगे ना और यहाँ पे साढ़े सात बजे से आपका जो मैच है वो स्टार्ट हो जाएगा आपके यहाँ तो नाइट होने वाली है इवनिंग हो चुकी है और वहाँ तो डे डे लाइट में मैच हो रहा है तो ये जो डिफरेंस है ये इसी वजह से टाइम जोन जो है वो इसी वजह से हमें देखने को मिलता है और इसीलिए जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो बनाई जाती है ऐसा नहीं है कि अगर आप इधर बारह बजे हुए और कल आपको बारह बजे चेक जमा करवाना है तो सारे लोग आपके ऊपर क्वेश्चन करेंगे कि आप लेट हो लेट हो लेट हो ऐसा नहीं होगा सो so, इसीलिए डेट लाइन और टाइम लाइन जो है वो दोनों मिलके हमारे लिए जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करती है और अच्छे से करती है मीन्स आज 12 बजे हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे 12 बजने के बाद में मान लीजिए अगले तारीख लग गई और कुछ जो कंट्रीज़ हैं उनमें अभी भी साढ़े पाँच घंटे बाद दस घंटे बाद अगला दिन स्टार्ट होगा तो कैसे इसे मेजर करेंगे सो डेट लाइन जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है वो और प्राइम मेरिडियन मिलकर इस काम को करते हैं ठीक है और ये दोनों एक दूसरे के आगे पीछे रहते हैं प्राइम मेरिडियन जब भी सन के सामने आ रहा है तो यहाँ पे डे और इस समय इंटरनेशनल डेट पे नाइट और जैसे इंटरनेशनल डेट घूम के आएगी तो यहाँ पे डे और यहाँ पे नाइट क्लियर सो so, इसी तरह से इंडिया में अगर कोई गड़बड़ी नहीं होती है ना आपकी घड़ी में जितने बजते हैं उतने ही मेरी घड़ी में बज रहे हैं ठीक है सो आप आप अच्छे से मुझे आपका लोकेशन एक्सेस करके बताएंगे आप मुझे टाइम बताएंगे ठीक है एंड जो भी कोई डाउट हो वो भी अच्छे से बता सकते हो सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आई हम देखते हैं इंडिया इज़ लोकेटेड ईस्ट ऑफ द ग्रीन एट एटी टू डिग्री थर्टी मिनट्स ईस्ट ठीक है आपने इसको देखा इट इज़ फाइव आवर्स थर्टी मिनट्स अहेड ऑफ़ जी एम टी सो जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे हम कितना आगे चल रहे हैं फाइव आवर्स थर्टी मिनट्स यानी कि अगर किसी को यहाँ पे साढ़े सात बजे आना है तो उसे वहाँ से दो बजे दो बजे से भी बहुत पहले मीन्स जितना टाइम उसे फ़्लाइट में लगेगा उसको कवर करते हुए उसे वहाँ से रवाना होना है ताकि वो यहाँ के सही समय पर पहुँच जाए ठीक है थीके? okay so it will be 5:30 pm in india when it is ट्वेल्व नून इन London. सो so, London में अगर बारह बज रहे हैं तो हमारे यहाँ पे तो साढ़े पाँच बज रहे हैं हमारे यहाँ के दोपहर के बारह तो बहुत पहले यानी कि साढ़े पाँच घंटे पहले ही हो गए थे ठीक है सो आई होप इट इज़ क्लियर और इसके लिए आप एग्जाम्पल्स बात करिए और इसे जज करिए इंटरनेशनल जो हमारे डेट uh, लाइन है और हमारी जो मैरिडियस है उसके अकॉर्डिंग आप डिस्टेंस देखना फिर इस डिस्टेंस पे अगर आपको बारह रखना है और इस डिस्टेंस से कितना डिस्टेंस हो रहा है उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको मैंने जो पर मिनट और फोर मिनट्स में हमने कितने डिग्री आगे मेजर करते हैं तो उसी अकॉर्डिंग आप डिग्रीज को बढ़ा देना ठीक है द स्टैंडर्ड मैरिडियन ऑफ इंडिया इज एटी टू डिग्री थर्टी मिनट्स ईस्ट में ठीक है बिकॉज अर्थ में हमारे जो इंडिया की पोजिशन है वो नर्दन हेमोसफियर में ईस्टर्न कंट्रीज़ में आती है सो so, इसीलिए हमने जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम रखा है वो एटी टू डिग्री थर्टी मिनट्स ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड पर हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसे रखा है ठीक है सो कैसे ये हमारा ग्लोब ये हमारी प्राइम मेरेडियन ठीक है अब इससे एटी टू डिग्री और हाफ यानी कि थर्टी मिनट्स वाली जो लाइन जा रही है ना लॉन्गिट्यूड उस लॉन्गिट्यूड से हमारा इंडिया का टाइम स्टैंडर्ड टाइम मेजर होता है ठीक है और ये हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है फाइव आवर थर्टी मिनट्स आगे है किन से ब्रिटेन में अगर ब्रिटेन में अभी बारह बज रहे हैं तो हमारे यहाँ पे कितने बजेंगे स्टूडेंट्स फाइव थर्टी द टाइम ओके नेक्स्ट देखते हैं सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडोपटेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम सो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्हें एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम लेने पड़ते हैं बिकॉज उनके जो लॉन्गिट्यूड हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं सो so, इसी लिए जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं रशिया देर आर एज मैनी एज एलेवन स्टैंडर्ड टाइम्स माई डियर स्टूडेंट सो यू कैन टेक अ लुक टू द इमेज यहाँ पर हमने रशिया का इमेज आपको दिखाया है एंड देर आर एलेवन टाइम जोन आ दर सो स्टैंडर्ड टाइम्स के लिए एलेवन स्टैंडर्ड टाइम्स हैं यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन सो इनका लॉन्गीड जो है वो डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है बहुत बड़े बड़े कंट्रीज होते हैं सो so, इसीलिए इन्हें अपने स्टैंडर्ड टाइम को मैच करने के लिए एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम भी बनाने पड़ते हैं ठीक है सो मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम दे हैव सेवरल स्टैंडर्ड टाइम सो एज लाइक रशिया देर आर एज मैनी एज एलेवन स्टैंडर्ड टाइम माई डियर स्टूडेंट्स सो नाउ इट इज़ ऑल क्लियर फॉर यू नेक्स्ट हम देखने वाले हैं द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इन टू ट्वेंटी फोर आवर्स टाइम जोन ऑफ वन आवर ईच सो अब अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है अपनी एक्सेस पे थर्टी थ्री सिक्सटी डिग्री रोटेट करने में उसे ट्वेंटी फोर आवर्स का टाइम लगता है स्टूडेंट्स सो ट्वेंटी फोर आवर्स को इन्होंने वन आवर के टाइम जोन में डिवाइड कर दिया तो वन आवर करते हुए कितने टाइम जोन हो गए ट्वेंटी फोर टाइम जोन आ गया है एंड ईज ऑफ टाइम जोन इज फॉर वन आवर सो एक एक घंटे के ट्वेंटी फोर टाइम जोन है हमारे अर्थ पे ईच जोन थर्स कवर फिफ्टी डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड सो एक जो टाइम जोन है ट्वेंटी फोर टाइम जोन है ठीक है स्टूडेंट्स और हर टाइम जोन वन आवर में कंप्लीट हो रहा है सो वन आवर में कितना हमने पहले भी स्टडी कर लिया था वन आवर में 15 डिग्री लॉन्गी पे हम कवर कर लेते हैं सो इट इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम दिस चैप्टर आई होप यू हैव लर्न सो मैनी थिंग्स अबाउट द लैटिट्यूड्स अबाउट द लॉन्गी अब आपके लिए लॉन्ग लॉन्ग लाइन लैटिट्यूड्स और जो स्लीपिंग लाइन्स है लैटिट्यूड्स और लॉन्गी आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं देंगे आई होप ऑल द डाउट्स आई कैन क्लियर फॉर यू सो ठीक है अब हम फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में सो so, We will meet in our next class. Till then, take care of your health and studies. Good day, my dear students.